वेलकम टू स्टडी मिदा एकेडमी। आज हम बात करेंगे अनदर फॉर्मूले जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट गेट स्टार्ट। सो लर्नर्स, एज यू कैन सी यहाँ मैंने कुछ चार फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये फॉर्मूले मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री में यही फॉर्मूले यूज होते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं ये। लर्नर्स, इन फॉर्मूले को याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है जो कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये ट्रिक मैंने बनाई हुई है, सो प्लीज इस पे आप अच्छे से अटेंशन पे कीजिए। देखिए लर्नर्स, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी। इससे पहले हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था ऐसा साइन एक्स प्लस वाई, कुछ ऐसा फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बहुत अंतर है, दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ में कोरिलेट कर देते हैं, बट दोनों के दोनों फॉर्मूले जो है वो क्या है, एकदम अलग है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इस तरह से कुछ फॉर्मूले हैं, अलग ही अलग है बिल्कुल। ठीक, तो देखिए लर्नर्स, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी दैट मीन्स क्या होता है फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। इसको याद करने का बेस्ट टू बेस्ट तरीका है जब कभी भी साइन सी प्लस साइन डी आए, मतलब दोनों सेम टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, साइन और कॉस। बस साइन और कॉस पे ध्यान देना है आपको, बाकी सब कुछ अपने आप में हो जाएगा। देखिए साइन पे ध्यान देना है, कॉस पे ध्यान देना है। यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी, तो देखिए साइन और कॉस आया। मैं आपको केवल और केवल अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रही हूँ, ठीक। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो हमारे पास क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कॉस, साइन और कॉस। ठीक, ये बात तो हो गई कॉमन। उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन सी प्लस साइन डी, तो टू आपको लिखना है। सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले में देख रहे होंगे आप टू लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर टू लिखना है आपको। उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है, सी प्लस डी एक बार और एक बार सी माइनस डी। सबसे पहले प्लस का आएगा, सबसे पहले प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ सी प्लस डी कर दिया, डिवाइड कर दिया टू से, उसके बाद में सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू। तो मेरी ट्रिक ये है इसको याद करने के लिए कि साइन सी प्लस साइन डी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले साइन लिखना है, फिर यहाँ कॉस लिखना है, और प्लस है सबसे पहले तो सी प्लस डी पहले आएगा, उसके बाद में सी माइनस डी आएगा। तो ये थी इस फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक और तरीका, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि क्या है, स्टूडेंट्स मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम हमें ये फॉर्मूले जो है याद ही नहीं होते हैं, तो मैं इसलिए स्पेशल लेक्चर बनाया ताकि ये फॉर्मूले स्टूडेंट्स को अच्छे से याद हो सके। फिर देखिए लर्नर्स, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब देखिए यहाँ माइनस है, तो आपको ये करना चाहिए, यहाँ पर माइनस साइन है, साइन साइन, साइन सी साइन डी, तो साइन है तो यहाँ पर साइन और कॉस आएगा, सबसे पहला तरीका याद करने का। उसके बाद में यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, सबसे पहले माइनस साइन रख दो, सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू, उसके बाद में सी प्लस डी। जैसे कि यहाँ पर प्लस साइन, तो सबसे पहले सी प्लस डी रख दिया था मैंने, उसके बाद में सी माइनस डी रखा, तो ऐसे ही यहाँ पर एक साइन था माइनस। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले, साइन के फॉर्मूले में एक और बार आपको बताती हूँ, साइन के फॉर्मूले में पहले साइन फिर कॉस, और जहां साइन सबसे पहले, ये देखिए यहाँ प्लस का साइन था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्लस का साइन पुट किया। साइन अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन पुट करना है पहले, और पॉजिटिव साइन हो तो पॉजिटिव साइन पुट करना है पहले। ओके, तो ये हो गया ऑल अबाउट द साइन फॉर्मूला। नाउ द कॉस फॉर्मूला, कॉस के फॉर्मूले में आपको ये करना है, देखिए कॉस लिखा हुआ है तो सिंपल कॉस लिख देना है, कॉस लिखना है सिंपल। उसके बाद में कॉस प्लस और माइनस, दोनों साइन है यहाँ पर, तो प्लस और माइनस साइन का मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये देखिए कॉस लिखा हुआ है तो कॉस कॉस दोनों साइड लिख देना है, और यहाँ पर कॉस माइनस का हो अगर तो उसमें थोड़ा सा बस चेंज होता है। पहले प्लस के बारे में बात करते हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस बी, फाइन, तो टू तो हमें लिखना ही लिखना है, चारों फॉर्मूले में पहले टू लिखना है, फिर उसके बाद में कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू, फिर कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू। सिंपल है, प्लस साइन लगा हुआ है तो पहले प्लस साइन यहाँ लगा दो, फिर उसके बाद में माइनस साइन लगा दो, ये प्लस साइन ये माइनस साइन डिवाइडेड बाय टू। तो ये हो गया कॉस का फॉर्मूला। साइन के फॉर्मूले में फिर से रिपीट करती हूँ, साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस दोनों आते हैं, कॉस के फॉर्मूले में ओनली कॉस आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो कॉस के फॉर्मूले में केवल और केवल कॉस आएगा। नाउ द फोर्थ वन, कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा, ये तो प्लस का फॉर्मूला था, यहाँ ये माइनस का फॉर्मूला है, थोड़ा सा चेंज है बस लर्नर्स,
ये जो माइनस साइन है इसे हमने बाहर निकाल लिया, ये माइनस साइन को बाहर ले लिया मैंने और यहाँ क्या कर दिया, टू साइन, यहाँ पर बस साइन आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जैसा कि यहाँ था साइन के फॉर्मूले में तो साइन और कॉस दोनों आ रहे थे, साइन कॉस दोनों मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चल रहे थे, बट कॉस में क्या है कि यहाँ कॉस आया प्लस में, प्लस में दोनों साइड कॉस आया, बट कॉस माइनस कर रहे थे, कॉस सी माइनस कॉस डी, तब ऐसा कुछ सीन नहीं हो रहा, यहाँ साइन आ रहा है, तो याद रखना हमेशा कॉस सी माइनस कॉस डी हो तब आपको क्या करना है, साइन लिखना है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में साइन लिखना है और माइनस का साइन बाहर लगाना है आपको, फाइन, और साथ ही साथ में माइनस साइन है उल्टा कर दो, सी प्लस डी पहले लिख दो फिर उसके बाद सी माइनस डी डिवाइडेड बाय टू लिख देना है। तो लर्नर ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो कि मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब आगे हम बात करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, नेक्स्ट फॉर्मूले लर्नर्स, यहाँ जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये फॉर्मूले याद करने के हैं, आपको अच्छे से रटने ही पड़ेंगे एनी हाउ, और ये फॉर्मूले मोस्ट टू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए, सबसे पहला फॉर्मूला है यहाँ लिखा हुआ है साइन टू ए, साइन टू ए का मतलब टू साइन ए कॉस ए। अच्छा यहाँ एक बार साइन टू ए लिखा हुआ है, एक और साइन टू ए, यहाँ देखिए साइन टू ए, तो यहाँ पर साइन टू ए के दो फॉर्मूले हैं, जरूरी नहीं है कि हर एक फॉर्मूले का एक ही फॉर्मूला हो, दो तीन चार मेनी फॉर्मूले हो सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास दो फॉर्मूले हैं साइन टू ए के, साइन टू ए का एक फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी और दूसरा फॉर्मूला है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टू टेन स्क्वायर ए, ये दो फॉर्मूले हैं साइन टू ए के, ठीक। उसके बाद में देखिए कॉस टू ए, कॉस टू ए के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सबसे पहला फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, तीसरा फॉर्मूला वन प्लस कॉस टू ए और चौथा फॉर्मूला है टू कॉस स्क्वायर ए, ये चार फॉर्मूले हैं, इसके अपार्ट में और भी फॉर्मूले हैं कॉस टू ए के, सबसे पहला फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, सेकेंड वन टू साइन स्क्वायर ए और तीसरा है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये है कुछ फॉर्मूले जो कि कॉस टू ए के फॉर्मूले हैं। अच्छा अब ये फॉर्मूला कब कहाँ और कैसे लगाना है आपको, इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ फिट हो रहा है, आपको उधर ही फॉर्मूले यूज करना है, ठीक। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है टेन टू ए, टेन टू ए का फॉर्मूला टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉस टू ए का एक और फॉर्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो लर्नर्स ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए तो है ही, साथ ही साथ में कभी कभार इन क्वेश्चंस इन फॉर्मूलेस के ऊपर ही डेरिवेशन आ जाता है कि आपको डेरिवेशन करना है, यू हैव टू प्रूव दैट LHS इक्वल्स टू RHS, कभी कभार ऐसा भी होता है, ये इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से अच्छे याद करना है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी आगे के लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्यूशंस के बारे में, सो जब तक आप सारे के सारे फॉर्मूले प्लीज अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इससे पहले के लेक्चर्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।